लफ्ज़ मायूसी और नाउमीदी अगर कुरान करीम में आया है तो ये इससे मनाई के लिए या फिर इससे इनकार करने के लिए, क्योंकि इससे किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं कि मायूसी को दिल में रखा जाए, क्योंकि शैतान का सबसे पसंदीदा हथियार है मायूसी, जिससे वो बंदों को उनकी राह से गुमराह कर सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से रूह की तारीकी से निजात के लिए दुआ मांगो। हदीसों में मिलता है कि मायूसी दिल को कमज़ोर बनाती है, हौसलों को पस्त करती है और आगे बढ़ने से रोकती है, और शैतान को इससे ज़्यादा खुशी हासिल होती है कि वो अल्लाह के बंदे के दिल को गमगीन करे और इसे उदास करे। और इसी वजह से हमें चाहिए कि हम खुश रहें, मजबूत ख्याल रखें और अपने परवरदिगार के बारे में नेक और अच्छा ख्याल रखें। अल्लाह पर कामिल यकीन रखें कि अल्लाह है, और उस पर एतमाद की यकीनी आपके हर अमल में आपको खुशी देगी और हर हालत में मसरूर रखेगी। हत्ता कि हदीसों में ये भी मिलता है कि अपनी खुशियों को फिक्र के और मनफी ख्याल की वजह से खाक ना करो। अपनी मनफी ख्यालात से अपनी फतेह को फरेब ना दो। अपनी मनफी नज़रियात से खुशियों को तबाह ना करो। अपने आज की खुशियों को माजी के दुख और गम के लिए तबाह ना करो। अगर आप अपने हालात के बारे में सोचना चाहते हैं तो ये सोचिए कि खुदावंद करीम ने आपको बिन मांगे क्या क्या अता किया है। तो अल्लाह पर यकीन रखें कि वो अगर किसी शह से दूर करे तो इसमें सिर्फ आपकी भलाई है और बेहतरी है। आप तो उस वक्त सो रहे थे जब आपके लिए की गई दुआ के एवज़ में खुदावंद करीम ने जन्नत के दरवाज़े खोल दिए। ये शायद इसलिए कि माजी में आपने किसी गरीब की मदद की, या फिर किसी मगमूम शख्स को खुशियां बांटी, या फिर अपनी मुस्कुराहट की ज़कात दी, या किसी बेसहारा को मदद के लिए हाथ दिया। इसलिए कभी भी किसी नेक अमल को कमतर ना समझें, बल्कि अल्लाह से दुआ करें, और जब दुआ कबूल हो तो खुश हो जाएं, और अगर दुआ कबूल ना हो तो 10 गुना उसका शुक्र अदा करें कि इससे पहले दुआ की मकबूलियत में हमारी मर्ज़ी थी और दुआ के ना कबूल होने में उसकी मर्ज़ी है। तो नाज़रीन, ज़िंदगी काफ़ी छोटी है जिसे गम, गुस्सा, मायूसी से गुजारने के बजाय एक ऐसे दिल के मालिक बने जिसमें खुशी और सुकून का बसेरा हो। अल्लाह हम तमाम की नेक तौफीकात में इजाफा करे और हमें हमेशा खुश रखे और हमारे तमाम गुनाह को बख्श दे। आमीन।